वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4, अ शो टू मेक यू फील अपलिफ्टेड, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। तो दोस्तों, इस शो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम बढ़ाएं एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ, क्योंकि जिंदगी में अगर नेगेटिविटी होगी तो हम पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे तो हम कुछ भी बन नहीं पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, ये शो 3 सीजन पूरे कर चुका है और ये 4th सीजन चल रहा है, और आज हमें 22nd एपिसोड ऑफ 4th सीजन ऑफ दिस राइड। तो चलिए, इससे पहले की शुरुआत करूँ मैं इस इंस्पिरेशनल राइड का, जल्दी से आंसर बताना चाहूंगी उस रिडल का, उस पहेली का जो मैंने पूछी थी लास्ट वीक के एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, ये रिडल्स मैं पूछती हूँ हर हफ्ते, और जो सही देता है आंसर इन रिडल्स का, उन्हें मिलते हैं एक तो पॉजिटिव मोमेंट्स, क्योंकि कुछ भी जब हम सॉल्व करते हैं या आंसर देते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, राइट। और एक और चीज मिलती है, वो है फ्री रिचार्ज। 2 लकी विनर्स को मिलते हैं फ्री रिचार्ज भी। तो चलिए, देरी न करते हुए बताते हैं कि पिछले हफ्ते हमारी रिडल क्या थी और उसका आंसर क्या है। वेल, जो रिडल थी वो थी, अ पर्सन हु मेक्स इट नेवर सीज इट, अ पर्सन हु टेक्स इट नेवर यूजेस इट, एंड अ पर्सन हु यूजेस इट कैन नॉट सी इट और फील इट, व्हाट इज इट। कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति बनाता है वो उसे बाद में देख नहीं पाता, जो व्यक्ति उसे खरीदता है या लेता है वो उसे यूज नहीं करता, और जो सब व्यक्ति उसे यूज करता है वो ना ही उसे देख पाता है ना ही उसे महसूस कर पाता है। तो इस रिडल का सही आंसर क्या हुआ? वेल दोस्तों, वी गॉट अ राइट आंसर। आंसर दिया है अमन ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अमन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग अ राइट आंसर। तो दोस्तों, इस रिडल का सही आंसर है कॉफिन। जी हाँ, कॉफिन, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो उसे कॉफिन में दफना दिया जाता है, तो ना ही वो देख सकता है और ना ही वो फील कर सकता है, और जो खरीदता है वो अपने लिए तो खरीदता नहीं है, और जो बनाता है वो बना के बेच देता है, बाद में कहाँ देखता है वो उसे। तो द राइट आंसर फॉर द लास्ट वीक्स रिडल इज कॉफिन, एंड द विनर ऑफ दिस रिडल इज अमन। तो दोस्तों, इससे पहले की शुरुआत करूँ इस इंस्पिरेशनल राइड की, याद दिलाना चाहूंगी कि आज की रिडल मैं पूछूंगी इस शो के दौरान, तो बने रहिए और ये रिडल आपको जितवा सकते एक फ्री रिचार्ज और पॉजिटिव मोमेंट्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस इंस्पिरेशनल राइड, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि आज है टीचर्स डे, सो अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर, क्योंकि टीचर्स का जो रोल है हमारी जिंदगी में, हर किसी व्यक्ति के जो जिंदगी में रोल है टीचर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स हमें राह दिखाते हैं और भटकने से भी बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स, प्रोफेसर्स, मेंटर्स, कोच एंड एवरीबॉडी। तो चलिए, अब शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड का। एकदम से जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। स्टे ट्यून्ड, इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4 विद आरजे दिव्या। लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़ कर रख देती है, सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़ कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पे छा ले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। मैं हूँ आरजे दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग्स सीजन 4। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट, एंड लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू अ कहानी। जी हाँ, एक स्टोरी जो हमें एक सीख देगी, एक मॉरल देगी,
कहानी छोटी सी होगी, मस्ती से भरी होगी, पर जिसकी सीख होगी वो बहुत ही वजनदार होने वाला है। तो चलिए फिर बढ़ाते कदम इस कहानी की तरफ। ये कहानी एक रैंडम सी कहानी है जो कहीं मैंने सुनी और मुझे बेहद अच्छी लगी, बहुत ही टचिंग लगी और बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। तो चलिए सीखते हैं कुछ इस कहानी से। हैप्पी लिसनिंग। हिंदी में होगी ये कहानी हमेशा की तरह। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक ऑनर होता है जो कि एक लैब्राडोर का ऑनर होता है। तो वो क्या करता है, वो एक वीडियो बनाता है अपने, उसके घर पे एक पप होता है, यानी कि एक पपी होता है, लैब्राडोर का बच्चा होता है, डॉगी की एक नस्ल होती है लैब्राडोर, तो उससे लैब्राडोर कहते हैं। तो वो डॉगी का एक बच्चा होता है और डॉगी होता है, तो वो दोनों खेल रहे होते हैं। तो डॉगी होती है वो माँ होती है और छोटा पप होता है वो उसका बच्चा होता है। तो वो देखती है, जो ऑनर है वो देखता है कि वो दोनों कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो वो वहां जाता है, अपना कैमरा उठाता है और वहां पे वीडियो बनाने लगता है। तो दोस्तों, उस वीडियो में जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट है और हम सभी को एक सीख सिखा जाता है। तो चलिए घुसते हैं उस छोटी सी वीडियो में। होता क्या है कि कुछ सीढ़ियां होती हैं, 10-11 सीढ़ियां होती हैं, और वहां पे सीढ़ी के सबसे ऊपर एक छोटा सा पपी होता है जो कि वहां खड़ा हुआ होता है, और जो वो डॉगी होते हैं वो माँ होती है, वो नीचे ओनर के साथ खड़ी होती है। तो वो जो ओनर होता है वो उसे बुलाता है पपी को कि तू नीचे आ जा, कि कहता है कि कम डाउन कम डाउन। तो वो डॉगी बहुत कोशिश करता है, वो जो छोटा बच्चा होता है वो कोशिश करता है कि वो उतरे, पर उसे एक सीढ़ी भी उतरा नहीं जाता। वो बिल्कुल दिख रहा होता है कि वो कोशिश पूरी कर रहा है, पर उसका डर उसके पंजे को वहीं रोक देता है, वो कदम रखते हुए भी नीचे वापस ले जाता है। तो इतने में एक हैरानी वाली चीज होती है, जो उसकी माँ होती है लैब्राडोर की, वो जल्दी से ऊपर कदम बढ़ाती है और ऊपर जाके उसके साथ खड़े होके फिर नीचे एक एक कदम रख के आती है और उसे दिखाती है कि ऐसे नीचे आ। तो फिर वो देखती है और वो बच्चा फिर भी कोशिश करता है, फिर भी नहीं कर पाता। तो फिर से बेहद तेजी से ऊपर जाती है ये, और दूसरे तरीके से करती है। फिर वो क्या करती है, वो सेकंड सीढ़ी पे खड़ जाती है और वहां से उसे दिखाती है कि कैसे उतरना है। तो फिर से वो नीचे आके देखती है कि अब आएगा वो, फिर भी नहीं आता। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने 10-11 बार वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, अलग अलग तरीकों से उस डॉगी को बताने की कोशिश करती है। फिर 12वीं बार वो फिर से जाती है ऊपर और उसे थोड़ा सा धक्का देती है, पर गिरती नहीं है, धक्का देती है ताकि उसका डर निकल जाए। तो इस बार भी वो पपी जाते जाते बिल्कुल रुक जाता है। तो वो जब अगली बार डॉगी ऊपर जा रही होती है तो वो पपी बहुत मेहनत करके, बिल्कुल हिम्मत जुटा के एक कदम नीचे रखता है और 12 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी वो नीचे आ जाता है। तो फिर से माँ इतनी खुश होती है कि वो जल्दी से ऊपर जाती है और फिर से वो बताती है उसे कि कैसे आना है। तो उसे मोटिवेट करती है, उसे बूस्ट करती है, वो उसे दिखाती है, रास्ता दिखाती है, और वो डिसअपॉइंट नहीं होती, ना ही वो अपनी पेशेंस खोती है। और कुछ आधे घंटे बाद वो जो पपी होता है वो भाग के नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, छोटा सा मोरल जो इस कहानी का है वो इतना सा है कि कभी भी आप अगर किसी को सिखा रहे हैं कुछ और वो व्यक्ति आपको लगता है कि वो सीखना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है, तो आपको कभी भी पेशेंस लूज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके 2 एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसकी जिंदगी बदल दें। जैसे यहाँ पे वो पप्पी को अगर शुरू में ही एक बार जाके आती और फिर कहती अरे इससे तो होगा नहीं, और वो दिखाती नहीं, तो वो शायद पप्पी कभी वो हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना है कि आप कभी भी किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पेशेंस रखें, क्योंकि सिखाने का दूसरा नाम है पेशेंस। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगी तो गलती सीखने वाले की नहीं, आपकी ही है। तो बेटर है कि आप किसी को सिखाएं तो पेशेंस के साथ सिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बिना पेशेंस के लोगों को सिखाने लगते हैं और वो खुद सिखा नहीं पाते, और जो सीख रहा होता है वो व्यक्ति भी बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है, टूट जाता है, हार जाता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप 5 बार नहीं तो 10 बार करके दिखाइए किसी को, ताकि वो बंदा अगर सीखना चाहता है असल में तो वो सीख जाए। और जी हाँ, ये आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति सीखना चाहता है कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे सीख बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी और आज की जिंदगी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग 1 सेकंड में छोड़ देते हैं अपनी होप्स, पेशेंस। तो दोस्तों, अब लेते छोटी सी ब्रेक, मिलूंगी आपको इस ब्रेक के बिल्कुल तुरंत उस पार। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस, स्टे ट्यून्ड।
So, dosto, now we are in the second segment of this inspirational ride, and in this segment, like always, we are going to listen to an audio clip. आज भी एक ऐसी audio clip हम सुनेंगे जो है संदीप महेश्वरी द्वारा, जो कि एक motivational speaker है. Well, ये जो आज की audio clip होगी, ये हिंदी में होगी. और ऑडियो क्लिप हमें कुछ बताने वाली है कि कैसे पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपने रिलेशनशिप्स में. जी हाँ, आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें पॉजिटिविटी बिल्कुल गायब होती जा रही है. झट से नेगेटिविटी आ जाती है, रिलेशंस का ब्रेकअप हो जाता है और द एंड. तो ताकि आपकी मूवी द एंड पे ना आए और पॉजिटिविटी रहे, आप जरूर सुनिए इस ऑडियो क्लिप को. ये ऑडियो क्लिप है संदीप महेश्वरी द्वारा और ये ऑडियो क्लिप होगी पॉजिटिव थिंकिंग इन रिलेशनशिप्स. तो चलिए सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग. हैप्पी लिसनिंग, आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे. अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल, सिंपल सा. यहां पर आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी एक सीरियस अफेयर चल रहा है, लड़के के साथ या लड़की के साथ, व्हाटएवर. बहुत सारे लोग अपने हाथ ऊपर नहीं कर रहे, स्पेशली वो जो अपने मां बाप के साथ आए हुए हैं. तो भाई आज ही पोल खुल जाएगी. तो अब देखो, इस केस में अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करना हो तो क्या है रिलेशनशिप्स में. रिलेशनशिप्स में, क्योंकि भाई रिलेशनशिप्स तो सबको निभाना ही है ना. कोई जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, रिलेशनशिप्स तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बनेगी ना. तो रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग. लोग इसका मतलब कुछ और समझते हैं, जबकि वो नहीं है, कुछ और है. लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे साथ पिछले कुछ सालों में, जब से भी हमारा यह अफेयर चल रहा है, आप अभी आप में से किसने हाथ ऊपर किया था, कब से चल रहा है आपका? एक साल से चल रहा है. बहुत बढ़िया, भगवान बचाया आपको. शादी करने का प्लान है? बहुत बढ़िया. ये वीडियो दिखा देना अपनी वाइफ को या होने वाली वाइफ को, खुश हो जाएगी. इतनी पब्लिक के सामने, इतनी जनता के सामने आपने तो खुलासा कर दिया, प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला. बहुत बढ़िया. तो अब देखो कितना मजेदार है ये पॉइंट, कि इसमें हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये समझते हैं कि एक साल से मेरा अफेयर चल रहा है उस इंसान के साथ में, और हमारा रिलेशन तो बहुत ही बढ़िया है. जब कम टाइम के लिए अफेयर चलता है ना, तो सबको ये गलतफहमी हो जाती है ज्यादातर लोगों को. और ये सारी बातें भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं. कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है. मैं और मेरी वाइफ पिछले 18 साल से साथ में हैं, 18 इयर्स. हमारी इंटरकास्ट मैरिज है. मैं हिंदुस्तान से हूं और वो पाकिस्तान से नहीं है. वो पंजाबी है और मैं बनिया हूं, तो वो पंजाब से है. तो मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं,
कि रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करना है तो क्या, कोई चार दिन की वर्कशॉप नहीं, कोई 20 किताबें नहीं, सिर्फ एक वर्ड में एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दो। या अगर एक्सपेक्टेशंस हो तो रियलिस्टिक हो, अनरियलिस्टिक ना हो। जैसे आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, स्पेशली बिजनेसमैन वगैरह जो लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं कि यार इस आदमी के बस का कुछ है ही नहीं, मुझे पहले ही पता था ये काम को नहीं कर पाएगा, बेवकूफ करेगा। सुना है डायलॉग, सुना है, बहुत बार सुना है। ध्यान से देखो इन दोनों में से बेवकूफ कौन है। कि भाई साहब जब आपको पता था कि वो आदमी उस काम को नहीं कर पाएगा तो आपने दिया क्यों? बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हो। मछली बेचारी आराम से पानी में तैर रही है, उसको कह रहे हो कि उड़ भाई उड़, चल बाहर निकल उड़, और वो नहीं उड़ रही तो मछली को देख के कह रहे हो बेवकूफ है, गुस्सा कर रहे हो उस मछली के ऊपर, अरे तेरे से उड़ा नहीं जाता, गधी है क्या, अकल नहीं है तेरे अंदर। ऐसी ऐसी चीजें हम करते हैं और फिर अपने गुस्से का ब्लेम उठा करके किसी और के ऊपर डाल देते हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेसेस होती है, तो अगर उस आदमी से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितनी की उसकी स्ट्रेंथ है, तो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ नहीं लगेगा। सो सिंपल। आप में से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक अपनी खुद की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करी हो? एक भी नहीं है। तो दूसरों से आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे? हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही गलत निकालते हैं। मतलब ये निकालते हैं कि अगर हमारा रिलेशन पिछले एक साल से या दो साल से अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो फ्यूचर के बारे में भी अगर हम अच्छा ही सोचेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा शादी के बाद भी। लोग ये मतलब निकालते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का। ये बड़ी खतरनाक थिंकिंग है, अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, कि अभी पिछले एक साल में या दो साल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई हमारे बीच में तो आगे भी नहीं आएगी, हमारा रिलेशन तो बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है, वो लड़का और लड़की खुद ही अपने माइंड में अपने अपने सपनों के महल खड़े कर लेते हैं। होता है ऐसा कि ये जो लड़का है ये तो इतना अच्छा है, आने वाले टाइम में मेरा इतना ध्यान रखेगा, ये औरों के जैसा नहीं है, ये मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करेगा। तो ये है अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, कि अगर मैं सोच रहा हूं सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, जबकि ये ऐसा नहीं है भाई। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहती है कि आज तक अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई तो कोई बात नहीं भैया, अभी तक शादी नहीं हुई थी इसलिए नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं आएगी, आएंगी, एक नहीं आएगी हजार आएगी, और हर रोज आएगी, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हम दोनों को मिल करके, कि हमारा ध्यान कभी भी उन प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं होगा, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ होगा। लड़ने पर नहीं होगा, रास्ता निकालने पर होगा। ये एक सिंपल से कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब जो भी मैंने कुछ कहा आज के पूरे सेशन में, अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या है, अगर मैं अपने इस दुनिया को देखने के नजरिए को उठा करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूं तो मेरा नजरिया क्या है इस दुनिया को देखने का, जो मुझे डर से आजादी की तरफ ले जाता है, पूरी तरीके से फियरलेस बना देता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुल के जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ाता है, दबाता नहीं, रोकता नहीं, वो क्या है? आने वाले कल में क्या होगा, कल तो बहुत दूर की बात हो गई, आने वाले पल में, मतलब कि अभी मैं आप लोगों के सामने यहां पर खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूं, अगले सेकंड में जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? देखो लाइफ कितनी फ्रेजाइल है जिसके बेस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है। सांस आई गई, सांस आई गई, सांस नहीं आई, खेल खत्म, सारे प्लान खत्म,
सारे महल खत्म, सारी पावर खत्म, सारा पैसा खत्म, सारे रिलेशंस खत्म, सब कुछ खत्म, सब जल गया, क्या बचा? इसके पीछे हम इतनी टेंशन ले रहे हैं, जो चीज इतनी फ्रजाइल है, इसका कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है, उसको ले लेकर के हम परेशान हो रहे हैं कि 20 साल बाद क्या होगा, मेरे पोते पोती की शादी में क्या होगा, ये प्लानिंग कर रहे हैं बैठ करके, क्या कर रहे हैं? तो मेरी लाइफ को देखने का नजरिया क्या है, मैं किस तरीके से जिंदगी को जीता हूं, कि आने वाले पल में क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर मुझे कोई आ करके ये बता भी दे, कोई ज्योतिष या कोई भी, कि भैया अगले पल में तेरे साथ ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, 10 साल बाद ये होने वाला है, मैं उसको कहूंगा चल हट साइड में बैठ, मुझे नहीं जानना। क्योंकि अगर ये पता लग गया तो जिंदगी जीने का एक्साइटमेंट खत्म, मजा खत्म, थ्रिल खत्म, लाइफ बोरिंग, फिर जिंदगी जी नहीं पाऊंगा, जिंदगी कटेगी। पहले ही पता है मेरे साथ में अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया है, पहले ही पता है मेरे साथ में बुरा होने वाला है, अभी से रोने बैठ जाओ, 2 साल बाद होगा, अभी से रोने बैठ जाओ, ठीक है? तो मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं गुजरे हुए कल में क्या हुआ, कल मैंने ये सक्सेस अचीव करी, कल मेरी लाइफ में ये फेलियर आया, उसका इस आज से क्या कनेक्शन है? इन दोनों जगह पर जितनी मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ एनर्जी यहां पड़ी हुई है, कुछ एनर्जी यहां पड़ी हुई है, कुछ पावर्स यहां पर हैं, कुछ पावर्स यहां पर हैं, पास्ट से और फ्यूचर से पूरी तरीके से खींच करके उस पूरी की पूरी एनर्जी को, उस पूरी की पूरी पावर को इस मूवमेंट में लेकर के आना है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर जो काम भी मैं कर रहा हूं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उस काम में अपना 100% लगा देना है। सिर्फ अपने माइंड को नहीं लगाना उस काम के अंदर, सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं लगाना, अपनी आत्मा को डाल देना है उस काम के अंदर, उस काम को पूजा बना देना है। तो दोस्तों थैंक यू, आप बाद में कह लिएगा, पहले ये चीजें जो इस ऑडियो क्लिप में सुनी है आपने, समझी है, वो अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। और क्या पता आपका बिखरता हुआ रिलेशन, आपकी कोई दोस्ती या कोई आपका नया नया प्यार बिखरने से बिल्कुल बच जाए। तो दोस्तों दीज वर सम इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट संदीप महेश्वरी टॉक्ड अबाउट। मुझे तो बेहद खूबसूरत लगी ऑडियो क्लिप और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी लगी। अगर आप भी इन बातों को समझ जाएं, तो शायद आपके बहुत से रिलेशनशिप्स बच जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रहे उसमें। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि ये चीज अपनी जिंदगी में आप अपनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत दिलचस्प लगी इसलिए मैंने इसे इस इंस्पिरेशनल राइट का हिस्सा बनाया। वेल, अगर आपके पास भी है कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड ऑडियो क्लिप जो कि पॉजिटिविटी देती है, अपलिफ्ट करती है या फिर जिंदगी को खूबसूरत बनाने के कुछ तरीके बताती है, तो शेयर कीजिए। आई विल मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। और अगर आप खुद रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल भेज सकते हैं। यू आर वेलकम एंड आई विल मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस राइड। तो चलिए अब लेती हूँ ब्रेक, मिलूंगी आपको ब्रेक के तुरंत उस पार। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर देयर वेटिंग फॉर अस। हैप्पी लिसनिंग। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
Building Trust, Constructing Optimism Since Second World War, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. So, dosto, now we are in the segment of thoughts, quotes, lines, things, and words. And like always, is सेगमेंट में हम बात करेंगे ऐसे थॉट्स की, ख्यालों की, लाइनों की, जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, और भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं और अपलिफ्ट फील करा सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि ये थॉट्स होंगे इंग्लिश में, पर हम बात करेंगे हिंदी में भी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अक्सर हम जो सोचते हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाती है। तो क्यों ना पॉजिटिव सोचा जाए, ताकि जिंदगी में भी पॉजिटिविटी ही रहे। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, द फर्स्ट थॉट फॉर द ब्यूटिफुल इवनिंग इज, सम पीपल आर गोइंग टू लीव, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट इज द एंड ऑफ देयर रोल इन योर स्टोरी। जी दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत थॉट है कि कई लोग हमारी जिंदगी में से चले जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी वहां पे खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनका रोल, उन लोगों का रोल हमारी जिंदगी में उतना ही था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं या हमारे से बात करना बंद कर देते हैं, तो हम बिल्कुल उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ रह नहीं गया। वेल दोस्तों, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये एक थॉट आपके लिए है। सम पीपल आर गोइंग टू लीव, कुछ लोग जरूर आपको कभी ना कभी छोड़ के जाएंगे, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। इट इज द एंड ऑफ देयर रोल इन योर स्टोरी, ये उनके हिस्से का अंत है आपकी कहानी में। तो चलिए, द सेकेंड थॉट फॉर द इवनिंग इज, यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू बी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, बेहद खूबसूरत थॉट कि आपके पास हमेशा एक चॉइस है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है या पेसिमिस्टिक बनना है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जो हमेशा आशावादी है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और एक पेसिमिस्टिक है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है, आपको उठाना है कि आप पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव। यू ऑलवेज हैव द चॉइस टू बी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो चलिए, द थर्ड थॉट फॉर द इवनिंग इज, यू शुड नॉट अलाउ एनी बैड मोमेंट
टू डिस्ट्रॉय अ बंच ऑफ गुड मोमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जो हमारा दिल दुखाता है, दिमाग से कुछ चैन चुरा लेता है, या फिर कई बार हमें बिल्कुल अपसेट फील करवाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस मोमेंट को आप इतनी तवज्जो दो कि और जितने भी अच्छे मोमेंट है दिन के वो सभी रुल जाए, बहुत मतलब बेकार चले जाए। कहने का मतलब है यू शुड नॉट अलाउ एनी बैड मोमेंट, एक गलत मोमेंट को उसे अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपके जो और अच्छे मोमेंट है वो भी बर्बाद करते। तो यू शुड नॉट अलाउ एनी बैड मोमेंट टू डिस्ट्रॉय अ बंच ऑफ गुड मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स का गुच्छा। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज एंगर इज समथिंग दैट डज वर्स्ट टू यू। जी हाँ, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही करता है। तो दोस्तों, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, चाहे आप किसी और पे ही क्यों ना कर रहे हो गुस्सा, पर वो कहीं ना कहीं आपको ही इफेक्ट करेगा, आपकी जिंदगी पे ही एक बुरी छाप छोड़ेगा। सो एंगर इज समथिंग दैट डू वर्स्ट टू यू, सबसे बुरा वो आपके साथ ही करता है। सो अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस थॉट पे, एंगर इज समथिंग दैट डज वर्स्ट टू यू। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज इन लाइफ यू आर ईदर द पैसेंजर और पायलट, इट इज योर चॉइस। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में या तो आप एक पैसेंजर हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं, या फिर एक पायलट हैं जो यात्रा को चला रहे हैं, यानी कि या तो आप ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर हैं, यात्री हैं। सो आपके हाथ में है। कहने का मतलब इतना सा है कि जिंदगी में आपको देखना है कि आपकी जिंदगी आप खुद चला रहे हैं या फिर आप सिर्फ चले जा रहे हैं। सो इन लाइफ यू आर ईदर द पैसेंजर और पायलट, इट इज योर चॉइस। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज डोंट अलाउ पीपल टू जज यू, यू आर यू एंड इफ यू वर्क हार्ड यू कैन मेक बेटर वर्जन्स ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, कभी भी लोगों को परमिशन मत दीजिए, उन्हें अलाउ मत करिए कि वो आपको जज करे। बस आप जो है वो आप हैं, और आपको और हार्डवर्क करना है ताकि आप और भी निखर के आए और नए वर्जन आए। जैसे सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आते हैं, वैसे ही आपके भी नए वर्जन उभर के आए। सो डोंट अलाउ पीपल टू जज यू, यू आर यू एंड इफ यू वर्क हार्ड यू कैन मेक बेटर वर्जन ऑफ यू। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, जस्ट लेसन्स। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा पर वजनदार थॉट, देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, जिंदगी में कोई भी गलतियां नहीं होती, सभी लेसन्स होते हैं, सीख होती है। तो कोई भी गलती अगर आपने की है वो एक सीख है, अगर आप सीखें उससे। सो देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, जस्ट लेसन्स। तो चलिए, द लास्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज वर्क हार्ड एंड द वर्ल्ड इज योर्स। जी हाँ दोस्तों, मेहनत कीजिए और जो ये जिंदगी है, ये दुनिया ही आपकी हो जाएगी। चाहे आपको प्रमोशन ना मिले, चाहे आपका बहुत अच्छी डेजिग्नेशन ना बने, चाहे आप सेलिब्रिटी ना बने, पर कहीं ना कहीं आपको एक खुशी होगी, कंटेंटमेंट होगी हार्डवर्क करके, जो कि नहीं मिल सकती। वो होता है कि जिंदगी को, दुनिया को जीत लेना। तो दोस्तों, थॉट था वर्क हार्ड एंड द वर्ल्ड इज योर्स। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपको ये चीज मैटर नहीं करती कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं, तो आप पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया जीत लेते हैं। सो वर्क हार्ड एंड द वर्ल्ड इज योर्स। तो चलिए दोस्तों, दीज वर अ फ्यू थॉट फॉर टूडे। आई होप कि आपको ये बिल्कुल पॉजिटिव लगे होंगे, अपलिफ्टिंग लगे होंगे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। वेल, अगर आपके पास भी हैं थॉट्स, डू शेयर विद मी, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड। पर अभी लेनी होगी मुझे छोटी सी ब्रेक, पर आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4 विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव एंड मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट दीज थॉट्स इन योर लाइफ। Yeah.
रास्ते भागे पांव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे रास्ते भागे पांव से आगे जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों सोचना है जाना कहां जाए वहीं ले जाए जहां बेसब्रियां झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तश्नगी है ये प्यास है क्यों रोकना तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स एंड लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू गो थ्रू फाइव टिप्स एंड दीज टिप्स विल बी इन इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिप्स विच आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड फोकस सो लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स दीज फोकस ओरिएंटेड टिप्स तो दीज आर सम टिप्स विच आई हैव फिगर आउट फ्रॉम सम ऑफ द आर्टिकल्स एंड स्टफ सो लेट अस मूव फर्दर टूवर्ड्स देम Walk. Yes, friends, walk is something that is often related to many things. Walk is good for everything, and when it comes to focus, it works here also. When you go out for a walk,
your mind gets fresh, your soul gets fresh, and you overall feel fresh. So this freshness gives you the energy to stay focused. For example, if you are working for around 5-6 hours and you are working, this will literally hit your focus. But if you take a short break and go for a short walk, then once you are back, you are going to get your focus right there. So the point is that walk is effective for your focus. Even if you are walking at night, you can find that patch of your walk is going to affect your focus power the next day. So try it yourself and you will experience the exact thing I am saying. So walk is somewhere related to your focus. Keep your phones away. Yes friends, this is an apparent thing that most of the people are struggling with their addiction. Yes, people are addicted with their phones and they cannot help. So what can be done is just keep your phones away. Just keep them in other room or just switch off them or simply control yourself. Keep them in some areas which are not visible to you. Because when your phone is lying next to you, it tempts you and your focus goes for a toss. So the point is, keep yourself away from mobiles when you are working, when you are doing something that demands your complete focus. So telephone or phone, anything, keep them away and your focus will be intact. The third tip is stop thinking. Yes friends, many times people are working on their laptops, but beneath their minds they are thinking about what's going on in the house, what's going on in family, or what's going on in Delhi, Mumbai or in other place. So the point is, when you're doing something, just be focused. Don't think about different things, because when you think that you are doing something and you are pretty good at it, so you can think about other things at the same time, well, that isn't going to happen. What you have to do is focus on the current moment. If you are writing something, write. Don't think about what's going on in the neighborhood or blah blah and blah. If you are doing something related to projects, do focus there. So the point is, keep and stay in present, and only then your focus will be right. The fourth tip is food. Yes friends, you must be thinking, how come food is linked to focus? Well, yes, food is. If you're not taking food as per your requirement, then what happens is, whenever you are working or doing something important that demands your focus, you simply think about grabbing a chocolate bar or grabbing something to eat, and such things steal your focus, and your focus फिर से क्या होता है? Blurry. So the point is, keep yourself full. When you have eaten food, then focus on your work. Don't leave your stomach empty, otherwise your focus will suffer. Relax. Yes friends, focus has something to do with relaxation also. I'm not saying that you take off from office or you take off from school or college. What I'm saying is, if you are reading something constantly for a few hours, just take a 5 minutes break, just inhale and exhale, just take a short break. That break will regain your focus, because with time your focus begins to scatter. So to bring that back, you have to bring a break. And break can be of just 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes and so on. And believe me friends, such a thing really, really affects your focus in a great manner. So dosto, if you have never thought about focus like this, you have to think, because focus plays a great role in your productivity, promotion and effectivity. So dosto, these were a few tips for
focus, and I know there are plenty of other tips too, but these were just simple 5 tips which I have carved out from a few articles. Well, agar aapko pasand aaye hain to zarur apna feedback dijiyega. Agar aapke paas bhi hai koi views or opinions in tips ko leke, to do share with me. Or otherwise also, if you have a good set of 5 tips, do send me and I'll definitely make them a part of this inspirational ride. And yes, even if your tips are in Hindi, do share with me. I will translate them into English. To chaliye, main leti hu break, milungi aapko next segment mein. Stay tuned. कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा नहीं
You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radioeden.com. So, dosto, now we are in the last segment of this inspirational ride. And before I say goodbye to you, mujhe yaad dilane do ki aap hamare sath jud sakte hain. Apne jo bhi stuff hai ya fir koi thoughts hain, quotes hain, kahani hai, audio clip hai ya fir tips hain, share kijiye kyunki positivity baantne se hi badhti hai. To chaliye dosto, agar aap bhejna chahte hain kuch bhi, jaldi se jud jaiye hamare sath. Hamari Skype ID hai Radio Udaan, RADIOUDAAN. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. साथ ही फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं. यूआरएल है www.facebook.com/radioudan. एंड ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं. और अगर कोई भी एपिसोड आपको चाहिए इस शो का, आप मांग सकते हैं हमारे से और हम आपको वो एपिसोड तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे. और जी हाँ दोस्तों, मेरी पर्सनल आरजे दिव्या शर्मा की पर्सनल जो स्काइप आईडी है वो है Divya31S. तो यहाँ भी अब आपने ड्रॉप इन कर सकते हैं व्यूज या रिडल्स के आंसर्स. तो चलिए, अभी समय आ गया कि मैं अगले हफ्ते की रिडल पूछ लूं. और ये रिडल हमेशा की तरह आपको जितवा सकती है एक पॉजिटिव मोमेंट अलोंग विद अ फ्री रिचार्ज. तो चलिए, अब देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस रिडल की तरफ. तो दोस्तों, रिडल कुछ इस प्रकार की है. ये फनी रिडल्स होती हैं, पर उनके आंसर कुछ सेंस होती है उनमें. तो चलिए, रिडल जो है वो है, वेयर इज अ सी मोस्ट डीपेस्ट. जी हाँ दोस्तों, वेयर इज अ सी मोस्ट डीपेस्ट, मतलब कोई जो सी है वो सबसे ज्यादा गहरा कहाँ पे होता है. तो दोस्तों, इस रिडल का आंसर आप दे सकते हैं नेक्स्ट वीक से पहले पहले, एपिसोड से पहले पहले. बेटर होगा कि आप संडे से पहले पहले दे दें आंसर, ताकि मैं आपका नाम बिल्कुल ले सकूं इस शो पे. तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मुझे आंसर मिलेंगे इस रीडर्स के और आपको मिलेगी पॉजिटिविटी और फ्री रिचार्ज. तो चलिए, ये जो पॉजिटिव स्टफ मैंने शेयर किया इस एपिसोड में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एक्वेंटेंसेस के साथ, रिलेटिव्स के साथ और कलीग्स के साथ. क्योंकि अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी जिंदगी में तो कोई भी कुछ भी नहीं पा सकता. तो चलिए दोस्तों, मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम निरंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेनसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो चलिए दोस्तों, वैसे आज टीचर्स डे भी है, तो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स. क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो ही सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को एक अच्छी सीख देते हैं, कुछ बनने के लिए मोटिवेट करते हैं और उन्हें रास्ता दिखाते हैं. तो टीचर्स का जो हमारी जिंदगी में योगदान है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पेरेंट्स के बाद. तो चलिए दोस्तों, अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक. टेक केयर.